स्वाति, स्वाति ने सारे बलून फुले दिए और झूठ बोल रही है। अरे मतलब और भी फ्रेंड है मेरे, और भी फ्रेंड है, सबने फुलाए हैं। मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है उसको भी बता रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है। और जितने भी लोगों ने मेरी स्टोरी लगाई हुई है इंस्टाग्राम पे, जितने भी लोग मेरे को विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं 20 साल की हो गई हूँ। जो जो लोग मेरे को और ज्यादा एजिड की समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं 20 साल की हुई हूँ। गलत फहमी में कोई ना रहे। और मम्मी, मैं किस टाइम हुई थी? दिन के 12 बजे। और क्या था उस दिन? अमावस का दिन। तुम्हारे घर भूतनी पैदा हुई? मैं भूतनी हूँ। अमावस का दिन हुई हूँ। अब कितने बजे? 12 बजे। देखा, अमावस के दिन 12 बजे, ये तो कोई अनोखा इंसान पैदा होता है। पता है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को ना एक एक आदमी चुरा के ले गया था। सच बता रही मम्मी, पूछो बताओ। चुरा के ले गया लड़का। अब फिर कैसे ले गए? ढूंढ के ले गए हम। कैसे कैसे ढूंढा? चाय पिलंदा। चाय पिलंदा। इंसान की चाय जरूरी है, सबको चाय इतनी जरूरी है, कुछ भी हो जाए पर चाय चाहिए। जब मैं छोटी सी थी, ऐसी थी मैं, एक दो महीने की होंगी ना मम्मी, जब मैं एक दो महीने की थी ना, तो हम गांव में रहते थे, तो गांव में ऐसी मैं खाट पे लेटी थी, मैं बीमार थी ना मम्मी, मम्मी मेरे को डॉक्टर के लेके जा रही थी, तो मेरे को ना बाहर खाट पे लुटा दिया मम्मी ने। तो फिर उसके बाद एक आदमी था, वो मुझे ना मांगता रह गया था कि अपनी लड़की दे दो, लड़की दे दो। तो मतलब हम तीन बहन है एक भैया, तो फिर मम्मी कह लगी नू ऐसे कैसे दे दूं मैं, मेरी क्या फ्री की आ रही है लड़की। तो वो चुपचाप मेरे को चुरा के ले गया, मम्मी बताते हैं ये स्टोरी, वो चुपचाप मेरे को चुरा के ले गया। और वहां जाके अपने गांव में जाके उसने भीड़ इकट्ठी कर दी कि मुझे लौंडिया पाई बाग में, लौंडिया पाई मेरे को। मम्मी कहने लगी और पागल दिखा। तो जैसा तैसा करके मेरे को फिर से इसी घर में ले आई है। और पता नहीं वो इंसान कैसा था, अगर मैं उसके घर में जाती पता नहीं कैसे रहते। तो चलो देखते हैं आज हम लोग कैसे कैसे मस्ती करते हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन मुझे क्या क्या गिफ्ट देता है। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ओके। तो फ्रेंड, आज का मेरा बर्थडे है और आज मैं रो रही हूँ क्योंकि इतनी प्याज काट काट के मेरी आंखों में आंसू आ गए। सही में यार, आंख में भी दुख रही हूँ, आंख भी। तो दिखाते सब क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने तो प्याज ही काटी है। यहाँ मेरा बर्थडे का पनीर बन रहा है। मम्मी झाड़ू पोछा नीचे लगा के आई है। तो बर्तन मांज रहा ब्लॉग, ये बर्तन मांज रहा। सही है, बर्तन मांजता रहे तू, बर्तन मांज के गोला घिसेगा यू। तो चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। मम्मी बोल लिया अच्छा, टाइम देखते टाइम कितने होगा, 12 बजने वाले हैं। चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं, ओके अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा, आज मेरा बर्थडे है, फिर भी मैंने झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा तो लगाने ही है खैर अपने घर में। तो अभी हम सब्जी वब्जी काटेंगे, थोड़ी सी मतलब खाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मटर पनीर, छोले की सब्जी और पूरी और खीर। तो जिसको खानी है आ जाओ, सबका वेलकम है। और अभी जब ये थोड़ा बहुत काम हो जाएगा उसके बाद हम नहाएंगे, नहाने के बाद बाकी का काम करेंगे, मतलब तैयार करके रख देंगे और फिर नहाने के बाद सारी चीजें फाइनल कर देंगे। उसके बाद मेरे गेस्ट आने चालू हो जाएंगे, मेरी फ्रेंड वगैरह थोड़े बहुत मेहमान है वो भी आएंगे, उसके बाद बर्थडे मनाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है? अभी फिलहाल मैं काम कर लूँ, काम करना बहुत जरूरी है। बिना काम के कुछ नहीं है, मेहमान आके चले जाएंगे, कहेंगे तूने क्या बनाया, मैं ऐसे बुला लिया। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ओके।
तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ, तैयार भी हो गई हूँ और मतलब बर्थडे की पूरी तैयारी हो गई है, खाना वाना भी हमारा बन गया है। तो देखो मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। आज मैंने ब्लैक कुर्ती पहनी है, सब लोग बोलते हैं कि ब्लैक कलर अच्छा लगता है मुझको, तो आज मैंने ब्लैक ही पहना है। तो चलो दिखाती हूँ मतलब बर्थडे की कैसे कैसे करके डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है एक सेकंड रुको। हेलो स्वाति, स्वाति ने सारे बलून फुले दिए और भी झूठ बोल रही है। अरे मतलब और भी फ्रेंड है मेरे, और भी फ्रेंड है, सबने फुलाए हैं, इसका नाम ना ले रही। वैसे सबसे पहले स्वाति आई थी, तो देख सकते हो कितने सारे बलून फुला दिए। और अभी करेंगे फिर हम इन्हें दीवार पर टांगेंगे, फिर सजाएंगे। और गौरी कैसी है, गौरी कैसी है? भोले जी का वेट कर रही है। भोले जी उन्होंने कह रही भोले जी का वेट कर रही है। तो चलो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं जब हम इन्हें सजाएंगे, ठीक है? अभी डेकोरेशन हुई नहीं है, अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं। उसको थोड़ा अच्छे से ठोक दिए, बाद में निकला ना। तो फ्रेंड्स यहाँ ठोका ठाकी हो रही है, बड़े मुश्किल में तो कील मिली है, कील भी ना मिली थी। सब ढंग से लो भैया निकल जाएगी, थोड़ा ऐसा कर लो। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि किस किस तरह से हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बर्थडे में ना एक छोटा सा ना क्या बता दूं उसके, मतलब ऐसा कुछ होगा था जिसे आप लोग सुनोगे ना चौंक जाओगे। रुबी आगू आजा। अभी आप लोगों को पता होगा कि हम एक नया फोन लेकर आए थे, हमने मैंने ब्लॉग भी बनाया था उसका वो फोन चोरी हो गया आज, और इसका इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा भाई साहब, दो बार बेहोश हुई, इसका फोन खूगा आज। अब देखो लग तो देखो फोन कैसे, मतलब फोन बस में खो गया, ठीक है पता नहीं चली। और हमारे मोहल्ले की एक औरत उसी बस में बैठी थी, और जब वो मतलब उसे वो फोन पागा और जब मतलब ऐसे पता चली मोहल्ले में कि ऐसे ऐसे फोन खूगा उसका, तो वो उस औरत को मिल गया। तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, उसने फोन ला के दे दिया, फोन मिल गया, बड़ी खुशी मिली इसे। तो मेरे बर्थडे में आज ये हो गया, मतलब यही था बर्थडे का सबसे बड़ा, यही गिफ्ट ही समझ लो। रूबी ने मुझे ऐसे गिफ्ट दे दिया, बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब तो कुछ ठीक हो गया, इसलिए ज्यादातर मैंने इसलिए वो नहीं बनाई। तने मेरे बर्थडे का केक खाया बाबू? नहीं खाया। तो ये मेरे बर्थडे गिफ्ट है, जैकेट है, बैग है, पर्स है, कपड़े है, ये सब मिला है। तो थैंक यू सो मच जितने भी फ्रेंडों ने मेरे को गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और जितने भी बर्थडे की मेरी फोटो वीडियोज है मैं हो सके तो मैं डालूंगी इसमें, ठीक है? ओके बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, लाइक करना, और हाँ कमेंट भी करना, अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।